हे गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि YT स्टूडियो जो है हर एक यूट्यूबर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि YT स्टूडियो में ही जाके टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और थंबनेल और मतलब कितना सब्सक्राइबर, कितना व्यूज़, कितना वॉच टाइम इनके जो, ये सारा चीज़ YT स्टूडियो में ही जाके चेक करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूट्यूबर जो है यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, जितना अगर टाइम स्पेंड करता है तो YT स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो में जा करता है, वो बार बार चेक करता है कितना वॉच टाइम इंक्रीज हुआ, कितना व्यूज़ इंक्रीज हुआ, कितना सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ। तो ये YT स्टूडियो ने एक अपडेट डाला लिया है, वो अपडेट क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, वीडियो को अभी तक वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को और पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब जो है आप यूट्यूब स्टूडियो में जो है जाके अब अपना डार्क मोड जो है इनेबल कर सकती है। पहले जो है डार्क मोड इनेबल का ऑप्शन नहीं मिलता था, पर अब जो है अपडेट के बाद जो है डार्क मोड का जो है इनेबल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और उसमें थोड़ा सा और चेंजिंग हुआ है। अब मैं फ़ोन के स्क्रीन को ले जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा डार्क मोड इनेबल आप किस जगह कर सकते हैं और क्या हल्का चेंजिंग हुआ है, मैं दोनों बारे में बताऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले आप अपना YT स्टूडियो का अगर अपडेट नहीं किया तो जाकर प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद जब YT स्टूडियो आप ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। पहले जो है जिस जगह मैं देख रहे हूँ लोगो दीपक टैगोर है, इस जगह पहले रेड कलर का बन के आ जाता था, ऊपर पे मतलब रेड कलर का रहता था, उसके बाद जो व्हाइट कलर बनता था। अब जो है पहले व्हाइट कलर आ गया है और रेड कलर का कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब रेड कलर इस जगह नहीं आएगा। और डार्क मोड किस जगह से आप ऑन कर सकते हैं, राइट साइड में लोगो पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो इस जगह सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो है इस जगह देख सकते दो ऑप्शन, पहले दो ही ऑप्शन आता, अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है डार्क मोड थीम का, आपको इसको ओके कर देना है। तो आप इस जगह से डार्क मोड जो है ऑन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको अभी तक ये एप्लीकेशन में जो है डार्क मोड थीम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इसको प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद हो सकता है आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ दिन वेट करना होगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद वीडियो कर दीजिए लाइक और कमेंट में जाकर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।